नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवा ब्रजवासी और मैं आपका रियल ज्ञान दर्शक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे विष्वी की लड़ाई की कहानी, जो मध्ययुगीन यूरोप के इतिहास में सबसे क्रूर और यादगार संघर्षों में से एक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, विष्वी की लड़ाई 1361 में स्वीडिश द्वीप गोटलैंड पर हुई थी। यह लड़ाई डेनिश राजा वाल्डेमर चतुर्थ के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें स्थानीय किसानों और शहरों के लोगों ने एक अच्छी तरह से सुसज्जित डेनिश सेना के खिलाफ सामना किया था। मित्रों, लड़ाई के परिणाम बहुत भीषण थे। लगभग 2000 रक्षक मारे गए और जल्दी में दफनाए गए। 20वीं शताब्दी में पुरातात्विक खुदाई ने इन सामूहिक कब्रों का पता लगाया और अच्छी तरह से संरक्षित अवशेषों का खुलासा किया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इससे पहले इस लड़ाई के बारे में पता था, क्योंकि इस लड़ाई में योद्धा लोग एक आम जनता से लड़े थे और वह आम जनता जब मर गई फिर उन्हें ऐसे ही दफना दिया गया जल्दबाजी में। इन अवशेषों में से एक व्यक्ति का चेहरा विशेष रूप से चौंकाने वाला है। यह हमें सदियों पहले से एक व्यक्ति के साथ जुड़ने की अनुमति देता है और इतिहास के अक्सर संक्षेप कथाओं को एक मानव चेहरा देता है। आप जरा इस खोपड़ी को देखिए, यह मानवीय खोपड़ी है। अगर हम इसको मनुष्य का चेहरा दें और फिर इस पर वार करें तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। उस समय इस व्यक्ति को कितना दर्द हुआ होगा, इस इंसान ने कितना सहन किया होगा इस दर्द को। गौर से देखिए, इसका मसूड़ा भी टूट चुका है, जिसके साथ दांत भी टूट गया है, और नीचे के कोने वाले दांत को देखिए, इसमें कट बना हुआ है। दोस्तों, यह खोज न केवल विष्वी की लड़ाई की क्रूरता पर प्रकाश डालती है, बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि युद्ध में कितने लोगों की जान जाती है और कितना दर्द होता है। हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सवाल किया था कि आपको ऐतिहासिक वीडियो देखना पसंद है, तो दो लोगों ने उसका जवाब दिया। एक है अलग साउंड नाम के यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने इतिहास लिखा है, और एक और हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, उनका नाम है मिस्टर गणेश प्रसाद। तो थैंक यू आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। भगवान आपको खुश रखे और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों, इन दोनों सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने शाउट आउट दिया है, इसी तरह मैं आपको भी शाउट आउट दूंगा, टॉप 3 लोगों को। तो आपका सवाल है, श्री श्री महाराणा प्रताप जी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है और वह कब लड़ा गया था। अब दोस्तों, आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह लड़ाई के पीछे कहानी क्या है। तो मित्रों, कहानी यह है कि 14वीं सदी में स्कैंडिनेविया में शक्ति की लड़ाई चल रही थी। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह युद्ध लड़ रहे थे। उस समय गोटलैंड द्वीप स्वीडन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और यह व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था। डेनमार्क के राजा वाल्डेमर चतुर्थ ने गोटलैंड पर कब्जा करने का फैसला किया ताकि वह अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सके। तो मित्रों, 1361 में वाल्डेमर चतुर्थ ने अपनी सेना को गोटलैंड पर भेजा और विष्वी शहर पर हमला करने का आदेश दिया। स्वीडन की सेना ने शहर की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क की सेना बहुत मजबूत थी। दोस्तों, लड़ाई के पीछे एक कारण यह भी था कि विष्वी शहर हैंसे व्यापारी संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, जो एक शक्तिशाली व्यापारी संघ था जो उत्तरी यूरोप में व्यापार करता था।
डेनमार्क के राजा वाल्डेमर चतुर्थ ने हेन्से व्यापारी संघ को कमजोर करने के लिए विस्वी पर हमला करने का फैसला किया था। अब लड़ाई के बाद डेनमार्क ने गॉटलैंड पर कब्जा कर लिया और विस्वी शहर को जला दिया गया। स्वीडन की सेना को भारी नुकसान हुआ और शहर के निवासियों को मार दिया गया दोस्तों, या फिर हो सकता है बंदी बना लिया गया। यह लड़ाई स्कैंडिनेविया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और यह आज भी याद की जाती है। वैसे कहा जाता है कि नागरिकों को सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, शायद उनके घर भी जला दिए थे। सैनिकों ने नागरिकों को बहुत क्रूरता से मारा था, किसी के सर में दे मारी, किसी को मुंह पर दे मारा और फिर उनकी लाशों को ऐसे ही उठा करके दफना दिया गया। बाद में जब उस जगह पर खुदाई की गई तो वहाँ के कंकाल कुछ इस प्रकार मिले। आप इसे देखकर समझ सकते हो कि इन लोगों की कितनी क्रूरता से हत्या की गई होगी। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।